हाय नमस्कार, नया दिन और नई वीडियो के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो ये वाली वीडियो जो मैं डाल रहा हूं ये वीडियो के तौर पर ही रहेगी, ये कोई ब्लॉग नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आया हूं मैड में और मैड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से यहाँ पर जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तो उस प्रतियोगिता में जो है जो बड़े खिलाड़ी थे यानी कि अंडर 19 के ऊपर के खिलाड़ी थे तो उनकी मैंने फाइनल की वीडियो बनाई है, जिसमें हमीरपुर नगर और भोटाखंड की कृष्णा युवक मंडल बगेटू की टीम ने पार्ट लिया और उसमें जो है दोनों टीमों का ड्रॉ रहा। फिर अंत में 5 रेड का एक और कंपटीशन किया तो उसमें जो है 5-7 से हमीरपुर की टीम विजेता रही और हमारी भोटाखंड की कृष्णा युवक मंडल बगेटू की टीम जो है वो 2 अंकों से हार गई। तो ये वाली वीडियो आप आगे देख सकते हैं, होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही आनंद महसूस होने वाला है। सबसे पहली रेड बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा फाइनल अभी हमें देखने को मिलेगा। सभी लोग बैठकर फाइनल मैच का आनंद उठाए और कृष्णा युवक मंडल की टीम ने भोटा मंडल की टीम है 1 पॉइंट अपने लिए अर्जित करते हुए गौरव जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। 9 नंबर के खिलाड़ी अमरजीत बहुत ही अच्छा खेले हैं, आज बहुत बढ़िया खेले हैं, हर मैच में अपनी टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन रहा है इनकी तरफ से और पूरी उम्मीद है कि फाइनल में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थोड़े चोटिल भी हैं और अभी तक दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। हमीरपुर के लिए आदित्य रेड करते हुए लंबे कद के खिलाड़ी हैं, थोड़ा अपना हाथ खोलेंगे तो अच्छे से अपनी टीम के लिए अंक अर्जित कर पाएंगे और अभी तक अच्छे से दोनों टीमें काफी संयम के साथ खेलती हुई आक्रामक रवैया कोई भी टीम नहीं अपना रही है। हालांकि एक टीम से गौरव जी ने इस मैच को मुझे लग रहा है कि लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो जो दर्शक जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंच पाए थे वो भी अपने घरों से इसको देखने में कामयाब रहेंगे। देशी हमीरपुर के लिए रेड करते हुए फाइनल मैच है और वहां पर चांस बना लिया दिनेश जी ने, हालांकि चांस दूसरी टीम के लिए था लेकिन उनको अपनी टीम से सहयोग नहीं मिला तो जिसको दिनेश जी ने 1 पॉइंट में कन्वर्ट किया और हमीरपुर का भी खाता खुल गया। अमरजीत जी 9 नंबर के खिलाड़ी लंबे कद के खिलाड़ी हैं, अपनी टीम के लिए मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा अंक इन्होंने ही अभी तक अर्जित किए हैं, अच्छी रेट दे रहे हैं कृष्णा युवक मंडल की टीम और बोनस की डिमांड कर रहे थे जिनको रेफरी ने अस्वीकार कर दिया। 9 नंबर के खिलाड़ी दूसरी टीम से, दोनों टीमों के जो 9 नंबर के खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं अपनी टीमों के लिए। ओपनिंग रेड करते हैं अपनी टीमों के लिए दोनों खिलाड़ी, अभी तक दोनों टीमें काफी डिफेंसिव होकर खेल रही थी लेकिन यहाँ पर एक और गलती और एक अंक हमीरपुर के लिए जाता हुआ। एक नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी कृष्णा युवक मंडल भोटाखंड के लिए रेड कर रहे हैं, हमीरपुर के पाले में जाकर उन्होंने कोशिश की थी और अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करने में कामयाबी। तेज जी फिर से हमीरपुर के लिए रेड करते हैं और वहां पर चूक होती हुई बची, कैचिंग के लिए जा रहे थे लेकिन समय पर उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया और गिर गए हैं जिसका फायदा और लोगों ने अपने शरीर का अपने भारी भरकम शरीर का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने 3 अंक अर्जित किए हैं, 3 अंक अर्जित किए हैं अपनी टीम के लिए। गौरव जी रेफरी की तरफ ध्यान देंगे और अपने यूट्यूब चैनल की तरफ ध्यान देंगे। रुपेंद्र जी हमीरपुर नगर के लिए रेड कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, काफी फुर्तीले हैं, काफी सूझबूझ के साथ खेलते हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं।
और वहां पर कोशिश की थी और मुझे लग रहा है कि उनको कामयाबी मिल गई है और एक अंक लेने में कामयाबी। 9 नंबर के खिलाड़ी अमरजीत जी, 2 विकेट के साथ पूरा ध्यान रखेंगे रेफरी की उंगलियों की तरफ और यहां पर टोरेंटी की कोशिश लगातार जा रही है। 9 नंबर के विकेट के मेन रेडर ध्यान पर टोरेंटी ने आउट कर दिया है। 1 नंबर के खिलाड़ी फिर से रीड करने गए हैं, काफी फुर्तीले खिलाड़ी हैं, शरीर हल्का है लेकिन उतनी ही चुस्त और तंदुरुस्त है, पूरे अमीरू नगर के खेमे में हलचल मचा के रख दी है। काफी फुर्ती के साथ पूरे कोर्ट में अपनी मूवमेंट कर रहे हैं और अभी कक्षा कैचिंग एक अंक एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। अर्जित कर लिए अपनी टीम के लिए लगातार तीसरे या चौथे रेड है। 1 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी और इस निकलने में कामयाब नहीं हो पाए। हमीरपुर नगर की टीम का उत्साह इसमें अलग ही लेवल पर है, अच्छी लीड कर रहे हैं और देव जी लगातार अपनी टीम के लिए परेड कर रहे हैं। अमरजीत 9 नंबर की जर्सी पहने हुए पूरा दमखम रखते हैं खेल को बदलने का, हमीरपुर के लिए चुनौते बने हुए हैं, लगातार रोड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और इस बार सही खेल के साथ वापसी कर रहे हैं। हमीरपुर के लिए आदित्य अच्छे रीडर हैं, सेफ रीड करते हैं, थोड़ा सा हाथ खोलेंगे तो अपनी टीम के लिए अंक भी अर्जित कर पाएंगे। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे सेफ रीडर हैं, लंबे कट के खिलाड़ी हैं, देखते हैं अंक अर्जित कर पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन लग रहा है टीम की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि अच्छी लीड है और इसको बरकरार रखेंगे, समय बर्बाद करेंगे और सेफ खेलेंगे। 1 नंबर के खिलाड़ी फिर से खिलाड़ी मंडल के लिए रेड कर रहे हैं, 1 9 नंबर के अमरजीत और 1 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जिसको हमीरपुर के पहले में ऐसे लग रहा है कि उन्होंने सेफ खेलने का डिसीजन लिया हुआ है, ना वो अटैक कर रहे हैं ना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देवेश जी फिर से गोटा मंडल की टीम में खलबली मचाने के लिए आ चुके हैं, इस बार देखते हैं कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। और उन्होंने क्लेम कर लिया है, अमर जी जोट की टीम के मेन रेडर हैं, उनको क्लेम कर लिया है और उन्होंने उनके क्लेम को स्वीकार किया। फिर से 1 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी लगातार रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन बड़ी देर से अपनी टीम के लिए पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हैं, अच्छी रेड कर रहे हैं लेकिन पॉइंट निकालने में कामयाबी नहीं मिल रही है। सेफ खेल रही है हमीरपुर की टीम, उनको पता है कि उनकी जो पॉइंट्स हैं वो अच्छी है तो रिस्क नहीं ले रहे हैं। फिर से बेटा के पाले में और काफी अंदर तक भोग के जाते हैं, उनको पकड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाह रहे उत्तराखंड के खिलाड़ी। और अभी समय अपना जो उसको अमरजीत जी 9 नंबर की जर्सी पहने हुए लगातार रेड कर रहे हैं और वहां पर बोनस की कोशिश के लिए गए थे, देखना पड़ेगा रेफरी का डिसीजन क्या रहेगा। फिर से बोनस मिल गया, इस बार बोनस मिल गया है भट्टा के लिए। आदित्य लेकिन अंक में कैचिंग की गलत कोशिश की गई, अच्छे से कैच नहीं कर पाए
देश जी को अपनी टीम के लिए रेड करते हुए अपनी टीम के लिए घुटने में भी चोट आई है। नौ नंबर के खिलाड़ी हमीरपुर नगर के लिए अच्छी रेट दे रहे हैं, काफी पतले 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 खिलाड़ी हैं लेकिन उतने फुर्तीले हैं। देखते हैं इस बार अपनी टीम के लिए कोई अंक अर्जित कर पाते हैं या कोई सेम रेट टाइम वेस्ट करने की जो स्ट्रेटेजी है उसी के साथ हमीरपुर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नौ नंबर के खिलाड़ी अमरजीत बहुत लंबे खिलाड़ी हैं, थोड़ा हाथ को नहीं तो पूरे हमीरपुर नगर के दल के में बड़ा खिलाड़ी बचा सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी किक लेकिन पॉइंट अंक खुद करने में कामयाब नहीं हो पाया। इस बार तीन अंक अमरजीत ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए। कैचिंग की कोशिश की जा रही थी जिसको इसमें हमीरपुर नगर में कामयाबी नहीं मिली और अमरजीत ने तीन अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए। फिर से अंक लेने में कामयाब, अपनी टीम के लिए अंक लेके आ रहे हैं और अपने बल का अपने शरीर का पूरा फायदा उठा रहे हैं। और गलत कैचिंग, की वजह से एक आदित्य हमीरपुर के खिलाड़ी एक और पॉइंट हमीरपुर के खाते में। करने वाकई नहीं है, नहीं इस बार की रेड खेली और हमीरपुर के नौ नंबर के जर्सी पहने वाले खिलाड़ी रेड करते हुए बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है टीमों के बीच में। लगभग से प्रगति की गई और फिर बड़ा होगा ऐसे हम लोग इसमें वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त अमरजीत, वेरी गुड यार। देखते हैं इस बार की रेड में अपनी टीम के लिए अंक ले पाते हैं नहीं। स्टेडियम चेंज अब आ जा सेफ खेल रहे हैं उनके अपने पाले में और पॉइंट लेके आने का हमें बीच नौ नंबर की जर्सी पहने हुए अमरजीत ब्रो चक दे ए पीड़ दिखा दे आने बिना पॉइंट के वापस आए अमरजीत। हमीरपुर के लिए नौ नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रेड कर रहे हैं। बोटा के ये जो लोग अपने मित्र लाइन के पास खड़े हैं आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो पता रहेगा कौन खिलाड़ी है क्योंकि बाहर जा रहा है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा थोड़ा पीछे रहेंगे तो पता रहेगा कौन खिलाड़ी आउट होकर बाहर जा रहा है।
लेकिन पिछले एक डेढ़ से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं इसको अर्जित करने में और इसको बाधा दे चुका है दोनों टीमों का। फाइनल मुकाबला है यहाँ पे चांस कर सकता था लेकिन लहसुन को दी गए लघु बुद्धि मुझे नहीं पता मैंने नहीं पता मैं फोन दिखे थले खड़े नहीं बोलिया पूरी भीड़ नाल इस साइडियां पूरी पूरी एक पहले उठी लेना थे उदे ठीक है मुझे मंजूर है मैं कर देंगे बंद दर्शक गए थे अभी इसके साथ हमें पहले टीम में भी मात्र एक खिलाड़ी और इस तरह ये रेफरी का डिसीजन के लूना हो गया विप्रो की टीम पे और तीन पॉइंट तक अर्जित किए रोटा की टीम ने अपने स्कोर में। इसके साथ मैच आगे बढ़ता हुआ हमीरपुर की टीम का रेबर रोटा के पाले में और लगाने की कोशिश करता हुआ अंपायर का डिसीजन बोनस प्लस वन दो अंक का इजाफा हुआ है रोटा की टीम के स्कोर में। बहुत बढ़िया अमरजीत बहुत बढ़िया दोस्त बहुत बढ़िया बोनस प्लस पॉइंट बहुत बढ़िया भाई जी का खिलाड़ी फोटा के पाने में अंक जुटाने की चौथा अहम है हम देखते हैं कि अपनी टीम को अंक जुटाने में कामयाब हो पाते हैं नहीं संघर्ष चलता हुआ और एक अंक अपने पाले में और अर्जित करता हुआ हमें का खिलाड़ी इसके साथ नंबर एक की जर्सी में कोटा खंड का खिलाड़ी गेंद है और ये पहुंच लिया गया हमें टीम के द्वारा और इजाफा हमें की स्कोर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अमरजीत बहुत अच्छा बोनस ये मुकाबले है जो हमारे समाज को पॉइंट आगे बढ़ाते हैं
टोकरे में भरता हुआ नंबर 7 की जर्सी के साथ अंक की मांग करता हुआ लेकिन नकार दिया दोनों रेफरियों ने। बहुत मजे हुए रेफरी है ये दोनों हमारे स्कूल लेवल के टूर्नामेंटर के फाइनल और सेमीफाइनल मैच हमेशा कंडक्ट करवाते हैं। बहुत बढ़िया रेफरी अर्पित करने में कामयाब रही है अभिपुर की टीम। मृतक का खिलाड़ी बोटा के पाले में अपनी टीम के अंक स्कोर को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में अभी देखना होगा कि क्या वो अपने जो मुहिम है अंक प्राप्त करने की इसको आगे बढ़ा पाते हैं नहीं। खाली हाथ लौटना पड़ा बोटा का खिलाड़ी अब अभिपुर के पाले में किकआउट करने की कोशिश लेकिन नाम कामयाब। हमें पूरे टीम का खिलाड़ी भोटा के पाले में कॉर्नर हिट करता हुआ अच्छा डबल ब्लॉक किया था कैचर ने लेकिन लंबे तगड़े खिलाड़ी उस पर असर नहीं हुआ और अपने गेंद को कामयाब रहे। नंबर 3 की जर्सी में भोटा के विशाल देखते हैं कि अभी अपनी टीम के लिए कामयाब रहे। नंबर 3 की जर्सी में खिलाड़ी अब देखते हैं कि उसके साथ एक अंक का और इजाफा हमीरपुर के स्कोर में। अनिश्चितताओं का खेल है ये बोनस दिया गया रामलाल संधू जी के द्वारा। नंबर 9 की जर्सी में हमीरपुर का खिलाड़ी बैठा के बाले में अंक जुटाने की कोशिश में काटा काट अमर जी नंबर 9 खेल को खेल रहे खेल की भावना से क्योंकि ये खेल भावना ही हमें आगे बढ़ने में अपने समाज को आगे ले जाने में सहायता करती है। हम जब आपसी मुकाबले भी सौहार्दपूर्ण तरीके से करें तो अपने समाज को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं।
बढ़िया संघर्ष नंबर एक की जर्सी में भी आपके सामने कृष्ण रेड करें छोटे छोटे बच्चे जो दूसरे कोर्ट में कबड्डी खेलने का प्रयास कर रहे हैं इनसे बेटे गुजारिश है कि जो मैच चल रहा है इसको देखिए आपके बड़े भाई यहाँ मैच खेल रहे हैं इनको देखिए बेटा आप इनको देखेंगे तो आपको नए नए तरीके जो कबड्डी खेलने के नए ट्रिक्स हैं वो सीखने को मिलेंगे अपनी आंखों के सामने और लोगों को वो चीज देखने को मिलेगी जिसको सीखने में आप हमेशा ललायत रहते हैं तीन आलू में बोरिया सट दे अमरजीत नंबर नौ की जर्सी में जिनके बेटा पांच खिलाड़ियों को ऐड किया गया है वो क्योंकि कबड्डी है बहुत अनिश्चितताओं का खेल है कभी भी कुछ भी एक रेट कुछ भी कर सकती है जो खिलाड़ी है कृपया वो शांति का दान दें आपको आपकी जो कार्य प्रणाली है उसको चेक करने के लिए हमारे पास मुझे वो इंपायर है आप अपनी खेल की ओर ध्यान दें एक छोटी सी गलती हमें काफी समय तक याद रहती है मजा ले रहे करते करते बहुत बढ़िया मैच दर्शकों को देखने में मिल रहा है एक एक रन जो है हमारा जो आनंद है उसको दुगना चौगना करती है ये देखना होगा कि नंबर एक की जर्सी में ये रेटर जो है क्या आगे करता है सेफ आउट
चित्रपट के लिए भारत खंडे खिलाड़ी बनाते हुए के लिए हर कोई अपनी भागीदारी कोशिश में एक चीज है आप एम्पायर की विशेष उसको सुने एम्पायर की विशेष सुने उसके बाद ही एक अंक अर्जित किया एक अंक अर्जित किया बेटा की टीम ने थोड़ा जनिश जी थोड़ा करने ने आयुष या आप अंक लो या बोनस लो या टच करो कुछ ना कुछ करो खाली हाथ जाओ देते हो सर मैंने कहा आज आपको देखने आज पीछे जाओ ये पूरा सूट हो रहा है ना उसके बाद जो नृत्य की तरफ से रुदो हेड करेगा सर अमन दंगल है जो एम्पायर का डिसीजन है जो एम्पायर के बगल वाले प्लीज वो गार्डन से अपने पास की एक अंक अर्जित किया है नेतृत्व की टीम ने एक बेट रोहन के अशोक के बाद अब जो विवेक विवेक करेगा जी स्कोर नृत्य का एक पॉइंट बेटा का दो पॉइंट नृत्य रीड करेगा अजय बेटा के बगल में स्कोर बेटा का दो पॉइंट है और हमीरपुर का चार पॉइंट है सारे ले आने बढ़िया बढ़िया अमन दंगल अमन भाई तो रोना नहीं एक जगह बरकई तो गलत नहीं करना बरकई डेड कैच बरकई ठूंठ बेटे बरकई बरकई ठूंठ बरकई ठूंठ बरकई 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 गुरु
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय किसान। जय किसान। जय किसान। तो आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे भोटाखंड ने कबड्डी का प्रदर्शन किया और हमीरपुर नगर ने भी बहुत अच्छा कबड्डी का प्रदर्शन किया, लेकिन वो वाली टीम जीत गई और हमारी टीम जो है वो उपविजेता रही। तो ये मैंने कुछ छायाचित्र लिए थे जो कि फाइनल मैच के बाद जब हमें ट्रॉफियाँ मिली थी तब के ये छायाचित्र हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कबड्डी के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और बहुत ही खूबसूरत कबड्डी खेली। तो अंडर 14 में टिक्कर टीम विजेता रही, अंडर 17 में नदौन नगर विजेता रहा और अंडर 19 प्लस की टीम में हमीरपुर नगर विजेता रहा और भोटाखंड जो है वो उप विजेता रहा। तो ये कुछ छायाचित्र हैं जो कि मैंने आपके साथ रख दिए। ये हमारे प्रांत के शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं जिनके साथ हमने छायाचित्र लिए, बहुत ही आनंद आया। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से ये कबड्डी का मैच रहा और अंत में जो है वो पुरस्कार वितरण भी रहा। तो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले शंकर। लेट्स रॉक।